नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने और बेल आइकन से आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। नई थार की बिल्ड क्वालिटी किसी से छुपी नहीं है। कार ने ग्लोबल एनकैप के करे गए क्रैश टेस्ट में 4 स्टार स्कोर किए थे और इस कार के रियल लाइफ एक्सीडेंट्स ने भी कुछ सिमिलर रिजल्ट्स दिखाए हैं, जहां कई मेजर एक्सीडेंट्स में भी गाड़ी ने पैसेंजर्स को सेफ रखा है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वाकई इंप्रेस करती है और महिंद्रा अपनी एसयूवीज काफ़ी मजबूत बनाता है ये भी दिखाती है। एक ऐसा ही एक्सीडेंट सामने आया जिसे ओनर ने एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया था। एक्सीडेंट यहाँ 3 कार्स के बीच हुआ, जिसमें स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी और नई महिंद्रा थार शामिल थी। ओनर ने यहाँ बताया कि उनके आगे यहाँ स्विफ्ट डिजायर थी और पीछे होंडा सिटी चल रही थी। यहाँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के ड्राइवर सडनली ब्रेक मारते हैं, पीछे चल रहे थार ओनर भी सक्सेसफुली ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, पर सबसे पीछे आ रही होंडा सिटी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और गाड़ी सीधा जाकर नई महिंद्रा थार को हिट करती है। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि इस इम्पैक्ट की वजह से थार अपनी जगह से हिलकर आगे जाकर स्विफ्ट डिजायर को हिट करती है। इस एक्सीडेंट में सभी कार्स में पैसेंजर सेफ थे। यहाँ पर कार ओनर ने स्विफ्ट डिजायर की कोई पिक्चर्स पोस्ट नहीं करी हैं, पर थार की दोनों ही साइड से पिक्चर्स, साथ ही होंडा सिटी जो थार के पीछे थी उनकी पिक्चर्स शेयर करी हैं। थार को आगे से देखें तो गाड़ी नंबर प्लेट पर कुछ डैमेजेस लेती है और काफ़ी माइनर डैमेजेस थार के बम्पर पर हैं। दूसरी तरफ पीछे से भी काफ़ी कम डैमेजेस कार में दिखती हैं, जहां बम्पर हल्का सा पिचका है और कुछ डैमेजेस नंबर प्लेट पर हैं। होंडा सिटी की बात करें तो कार की क्रम्पल जोन ने यहाँ काफ़ी डैमेजेस लिए हैं, जो चीज़ होंडा सिटी के कुछ और एक्सीडेंट्स में पहले भी हमने देखी हैं। कार का बोनट बम्पर यहाँ पूरी तरह से बेंड हो गया है, जिसमें शायद कुछ डैमेजेस रेडिएटर पर भी पहुँची हों। इस पूरे एक्सीडेंट में नई थार की बिल्ड क्वालिटी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। यहाँ थार ओनर पोस्ट में ये भी लिखते हैं कि थार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल एक टैंक जैसी बनाई गई है और ये एक्सीडेंट हमारी इंडियन ब्रांड्स की एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी को सामने ज़रूर लाता है। तो आप भी महिंद्रा थार की ताकत और मजबूती इस एक्सीडेंट में साफ देख सकते हैं और आप भी एक सेफ कार ज़रूर लें, क्योंकि छोटे एक्सीडेंट्स में ये सेफ कार खर्चे बचाती हैं और कुछ मेजर एक्सीडेंट्स में जान, इसलिए एक सेफ कार लेना ज़रूरी है। और अगर कार अपनी देसी ब्रांड जैसे टाटा या महिंद्रा की हो तो वो सोने पर सुहागा जैसा है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जब भी कार ले एक सेफ कार ले और हो सके तो स्वदेशी अपनाएं और टेस्ट ड्राइव लेके इन कार्स को एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि वो पुराने दिन चले गए हैं जब इन कार्स की रिलायबिलिटी और सर्विस इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते थे। हमेशा एक सेफ कार का चुनाव करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करके एक सेफ कार की इंपॉर्टेंस और इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाएं। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।